हिंदू धर्म में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य किया जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए जाने वाला कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान आपको सिर्फ सफलता ही नहीं देता बल्कि वो अपने निर्धारित समय पर पूरा भी हो जाता है, बशर्ते आपने उस कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करी हो। इसी कारण से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी तरह के शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, विवाह, गृह प्रवेश, कोई वाहन खरीदना है, किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ज्योतिषाचार्य या फिर पंडित से शुभ मुहूर्त के बारे में सलाह अवश्य लेते हैं। देखिए, वैसे तो शुभ मुहूर्त की गणना करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि वैदिक पंचांग की गणना करी जाती है, ग्रहों की चाल और ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, सूर्योदय, सूर्यास्त का समय, शुभ नक्षत्र इत्यादि बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आपके लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। और ऐसा भी है कि अलग अलग समारोह में अलग अलग आयोजन के लिए मुहूर्त भी अलग अलग होता है और उनकी कैलकुलेशन, उनकी गणना भी अलग अलग होती है। तो चलिए जानते हैं जनवरी माह के दौरान जो विशेष मुहूर्त है, जैसे कि आपको घर कब खरीदना है, अगर आप घर खरीद चुके हैं तो घर के अंदर आपको प्रवेश कब करना है, गृह प्रवेश कब करना है, और अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप विवाह या सगाई या ऐसे कुछ अन्य आयोजन अपने घर में रखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या शुभ मुहूर्त है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर अपने लिए कोई विशेष मुहूर्त देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म विवरण देके अपने लिए एक विशेष मुहूर्त का भी चयन कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर मैंने आपके साथ जनवरी के कुछ विशेष मुहूर्त शेयर करे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनकी डिटेल दिया है, एक लिंक दिया है जहां पर आप ये सारे मुहूर्त अपने पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और जनवरी माह को अपने लिए बहुत ही सफल बना सकते हैं।